तो आज का जो व्लॉग है वो मैं लेकर आई हूँ अपने साड़ी कलेक्शन से रिलेटेड। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी साड़ी पहनते हो, आपके पास साड़ी कलेक्शन बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, आज कुछ साड़ी का हॉल लेके चलते हैं, साड़ी का कलेक्शन लेके चलते हैं, क्योंकि समर वैकेशन है तो बहुत लेडीज ऑनलाइन शॉपिंग भी करती है और जो अपने मायके गई वो अपने मायके में खूब शॉपिंग करती है। तो मैं सोची चलो आज अपन अपनी शॉपिंग दिखाते हैं, क्योंकि मैं बस आज का मेरा यही ब्लॉग है कि मैं अपना थोड़ा बहुत कलेक्शन है वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो मैं मतलब राजपूती, मुझे पहनने का शौक बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे पहनना सही से मतलब मुझसे कैरी नहीं होती है, प्रॉब्लम ये है। तो मैंने कुछ राजपूती भी स्टिच कराए हुए हैं, तो मैं आपको अपने राजपूती शो करूंगी, देन आई विल शो यू माई ऑर्गेन्जा साड़ीज। तो फर्स्ट मैं आपको अपनी राजपूती ना कलेक्शन शो करती हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर यू माई राजपूती। ये मेरी फर्स्ट राजपूती ड्रेस है, लाइक जब मुझे नया नया क्रेज रहा था इन 2018 मैंने ये राजपूती स्टिच करवाई थी, इंस्टाग्राम पे देख रही थी मैं। तो ये मैंने अपने हिसाब से मतलब मैंने खुद ने कॉम्बिनेशन कंबाइन करवाया था और ना अलग अलग जोड़ लेके कंबाइन करवा के राजपूती स्टिच करवाई थी। तो मैंने कॉम्बिनेशन में मैंने पीच कलर का ये वाला तो था दुपट्टा, ये मैंने एकदम पीच कलर का दुपट्टा बनवाया था और इस पे आप देख सकते हैं मैंने ऐसी वाली लेस लगवा ली थी, थोड़ा फैंसी लुक देने के लिए मैंने वाली लेस लगवा ली थी। और ये जो इसकी कुर्ती होती है मैंने कुर्ती पे भी ऐसा वर्क लगवाया था, ये इसकी कुर्ती थी तो मैंने कुर्ती पे भी ऐसे ऐसे ये फ्लावर्स लगवा लिए थे। तो ये मैंने कुर्ती पे ऐसा वर्क लगवा दिया था जिससे कुर्ती भी फैंसी लुक ले, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग की मुझे कुछ लाइट वेट कपड़े में चाहिए था, तो दैट्स व्हाई आई चूज दिस वाला फैब्रिक। और ये अपनी काजली थी और लहंगे मैंने लहंगा इस फैब्रिक का लिया था, एकदम पिस्ता ग्रीन जो होता है, एकदम इलायची टाइप, जो मैंने अभी कुर्ता भी पहन रखा है समथिंग टाइप। तो ये था मेरा लहंगा और एकदम सिल्क जो साटन फैब्रिक होता ना बहुत सॉफ्ट उसमें था। अगर मेरे पास इस ड्रेस में मेरी कोई फोटो होगी ना मतलब उस टाइम की, तो मैं अभी इसमें यहाँ पर बीच में लगा दूंगी तो आपको पता पड़ जाएगा कि इसको पहनने के बाद मेरा लुक कैसा रहा था। और वो शायद मैंने फर्स्ट टाइम राजपूती वियर करी थी, तो मुझे बताना मत भूलना कि ये राजपूती मैंने जब फर्स्ट टाइम वियर की थी तो मुझ में कैसी लग रही थी। ओके उसके बाद जब मुझे पता चला कि हाँ राजपूती मेरे पे सूट होती है या राजपूती मुझे और लेनी चाहिए और पहननी चाहिए, तो उसके बाद मैंने एक और राजपूती ली थी, वो एकदम से मैंने जंप किया और मैंने बहुत ज्यादा हैवी राजपूती ले ली थी और दैट इज ये फिरोजी कलर की राजपूती मैंने ली थी। इसके अंदर भी मेरी कोई रील या कोई फोटो होगी तो आई शो, आई एड इन दिस वीडियो ना इन दिस व्लॉग। ये बहुत ज्यादा हैवी हो गया था ये वाला राजपूती, आप देख सकते हो ये पूरा मतलब बेस होता है ना उस टाइप में था। तो ये इसका दुपट्टा था, दुपट्टा पे ऐसे किरण लगी हुई थी, ये पूरा किरण का यहाँ पे किरण था। इसको मतलब अगर आप राजपूती नहीं पहनते हैं तो आपको बता दूं कि राजपूती में जो दुपट्टे के ये जो लगा होता है ना फरफर जिसको बोलते हैं, तो इसको राजपूती में इस लेस को हम किरण कहते हैं यहाँ पे। तो ये हमने मैंने किरण लगा ली थी और ये इसकी है काचली जो इन अंदर की तरफ पहनते हैं। ब्यूटीफुल वर्क था, बहुत अच्छा वर्क था एकदम, मतलब ब्लू के साथ इस शायद इस कैमरे में शायद गोल्डन लग रहा हो, थोड़ा ज्यादा ब्राइट लग रहा हो, पर इतना ब्राइट है नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सुंदर लग रहा था इस राजपूती के साथ में। तो मैंने ये वाली जंप करी थी, ये मेरी शायद सिस्टर की शादी थी 2019 में, तब मैंने वाला राजपूती लिया था। एंड इसका लहंगा, OMG इसका लहंगा इतना ज्यादा ब्यूटीफुल, मैं आपको बताती हूँ। एंड ये इसका लहंगा था, ये देखो इसका फ्लेयर एंड लाइक इतना ब्यूटीफुल लहंगा था ये, इसमें वर्क भी बहुत ब्यूटीफुल था। तो ये मतलब जॉर्जेट के फैब्रिक में है, तो जॉर्जेट का फैब्रिक तो वैसे भी अपन जॉर्जेट की साड़ीज भी लेते तो जॉर्जेट फैब्रिक वैसे आता कॉस्टली है, लेकिन मतलब उसकी लॉन्ग लाइफ चलता है, उसकी मतलब लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो मैं जॉर्जेट के फैब्रिक को ही मोस्टली साड़ीज में भी या तो कॉटन या जॉर्जेट के फैब्रिक को ही, क्योंकि जॉर्जेट का फैब्रिक है ना
रफ एंड टफ होता है, लाइक इजी टू वॉश होता है, तो अच्छा लगता है। ये हुआ है मेरा सेकंड राजपूती ड्रेस लगे, तो मैं एक को राजपूती फिर लेने गई थी। राजपूती शायद मैंने अभी एक साल पहले खरीदा है, तो मैं आपको बताती हूँ। दैट्स राजपूती, ये राजपूती मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये कॉटन में है और एक रेड कलर, जब हम रेडी होते हैं कोई फेस्टिवल है या हो गया, जैसे कोई पूजा है, कोई चौथ का व्रत है, कोई तीज का व्रत है, नॉर्मली कोई व्रत होते रहते हैं, तो उस पर पहनने के लिए बहुत बहुत बेटर ऑप्शन है। अगर आपके पास एक भी राजपूती नहीं है और आपने कभी राजपूती नहीं पहनी है, तो आपको ऐसे सिंपल कॉटन की राजपूती के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा राजपूती है कि आप कितनी बार भी पहन लो आपके मन की भी निकल जाती है, और इसमें आप सुंदर तो हो लेकिन उससे ज्यादा सुंदर लगते हो। दैट्स वाय मैं ये लेकर आई थी। और इसमें बहुत सारे कलर थे, नेवी ब्लू कलर था, मूंगिया कलर था मतलब बॉटल ग्रीन, स्काई ब्लू कलर था, बेबी पिंक कलर था, पीच कलर था, और ब्राउन कलर था, लाइट ग्रीन, मतलब हर कलर के, मतलब हर टाइप ऑफ कलर्स थे वहाँ पे अवेलेबल। बट मुझे एकदम ऐसे कलर में जाना था जो मैं हमेशा पहन सकूँ और हर चीज त्योहर पे अच्छा लगे। तो देखो ये है मेरा वो वाला राजपूती, और ये आई थिंक इसमें आपको बहुत लाइट लग रहा होगा, बट इतना लाइट है नहीं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये बहुत ही डार्क कलर का राजपूती है। अगर इसके अंदर मेरी कोई फोटो होगी ना, तो आई 100% आई शेयर विद यू बिटवीन इन दिस ब्लॉग। दुपट्टा थोड़ा कड़क होता है इनका, क्योंकि कलफ लगा हुआ होता है, तो आपको कितनी बार ऐसा लगेगा कि ये बहुत फूला फूला लग रहा है, मैं बहुत मतलब हैवी लग रही हूँ, मैं गोल्ड मेटल गुब्बारा लग रही हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। आपकी हाइट, आपकी हेल्थ कभी भी आपके ड्रेस से आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आपने उसको कैरी कैसे किया है वो जरूर मैटर रखता है। तो जैसे अभी मेरी हाइट भी कम है, तो अगर चाहूँ तो मैं इसको पैटीना देकर मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती, क्योंकि इसमें ये फूल जाता है दुपट्टा, तो मैं इसमें और छोटी लगती हूँ, क्योंकि ये अपना माइंड सेट होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैं ये ड्रेस जब भी पहनती हूँ मैं अच्छी लगती हूँ। अगर कोई रील या कोई वीडियो कोई फोटो होगी, तो आई डेफिनेटली शेयर दैट फोटो, मतलब मैं इसके अंदर बिटवीन इन दिस ब्लॉग आई विल शेयर दैट। हस्बैंड के ऑफिस में एक फंक्शन था, तो तीज का फंक्शन था, तो मुझे उसके लिए ना लहरी में एक राजपूती और लेना था, तो मुझे लगा है लहरी में राजपूती लेना है, तो कोई एकदम चटक सा कलर लेते हैं, मतलब लाइट कलर में लहरिया मुझे इतना जमता नहीं है, तो मैंने एकदम चटक रानी कलर का राजपूती किया। और इसके लिए लाइक मैं बहुत ज़्यादा, ये मेरा मोस्ट फेवरेट राजपूती हो गया। अगर मैं शादी या उसके अकॉर्डिंग देखूँ, तो मतलब इतना सुंदर लगता है, मतलब दुल्हन लगते हैं। इसकी भी कोई फोटो होगी ना, तो आई डेफिनेटली शेयर, आप खुद बोलोगे कि सच में ये इस राजपूती का कोई मुकाबला नहीं है। सिलवाया था, उसका बिल भी अभी तक किसी में पड़ा है, जिसमें मैं ये दो बार पहन चुकी हूँ। तो ये देखो, ये है राजपूती, ये बहुत प्योर के कपड़े में है। ये देखो, ये इस पे किरण लगवाई भी है मैंने, ये किरण है। किरण लगवाने से क्या होता है ना कि राजपूती का ग्रेस और ज्यादा डबल हो जाता है। और इस दुपट्टे पे पूरे पे ना जाल है, जाल वर्क जो समझते हैं ना, पूरे पे थ्रेड वर्क होता है। तो ये देखो, ये पूरे पे जाल वर्क है, ये पूरे पे जाल वर्क है। और ये इसकी काज कुर्ती है अंदर, इसमें ना मतलब मैंने जहाँ से लिया था ना, उन्होंने ना इसके साटिन का अस्तर मुझे साथ में दिया था, तो ये इसके अंदर का देखो अस्तर है साटिन का, अगर आपको क्लियर दिख नहीं रहा हो तो मे बी साटिन का अस्तर है। और ये इसकी काज ये कुर्ती के अंदर, मैं आपको वर्क दिखा देती हूँ, कुर्ती के अंदर बहुत ही सोबर वर्क है, आप देख सकते हो बहुत सोबर वर्क है कुर्ती के अंदर। Let me show you. ये वर्क है इसके अंदर, ये एकदम सिंपल थ्रेड वर्क है, मतलब कहीं पे भी अटकना है, फंसना नहीं। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कभी इसको ज्वेलरी के साथ या हैवी ज्वेलरी के साथ कैरी नहीं किया है, मैंने बहुत बार इसको हैवी ज्वेलरी के साथ भी कैरी किया है, तो ये कभी भी ऐसा नहीं है कि कहीं फंसा हो या अटक हुआ, तो ये बहुत ही सिंपल। ये है काजली, और लेट मी शो यू दैट लहंगा। लहंगा इसका बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है,
यानी ये दिस इज देखो इतना प्योर का है ना कि ये उलझ गया है. एंड दिस इज लहंगा. इसमें भी घेर बहुत ज्यादा है, फैंसी बहुत ज्यादा घेर है और पूरा वर्क है इसमें. और ये लहंगा है ना अवेलेबल भी है. अगर आपको इस लहंगे के अंदर कोई भी कलर चाहिए हो या ये लहंगा इसी कलर में भी चाहिए हो ना तो ये लहंगे मेरे पास अभी अवेलेबल भी है. तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आपको इस लहंगे में और कलर चाहिए तो आई विल शेयर यू माय कॉन्टेक्ट नंबर. तो उस पर आप मुझे बता देना. ये इस लहंगे में इस लहरे के इस वाले फैब्रिक में इस टाइप के राजपूती में मेरे पास और कलर्स अवेलेबल है तो मैं आपको बता दूंगी अंकल से डिस्कस करके कि आप जहां रहते हो वहां का जो भी शिपिंग है उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा. तथा कॉस्टली भी नहीं है. ये राजपूती ड्रेस का जो था कलेक्शन था. होप आपको ये कलेक्शन अच्छा लगा हो. अगर आपको कलेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. और अगर आपको मेरा कलेक्शन अच्छा लगा और आप भी ऐसी चीजें परचेस करना चाहते हो और आपके घर में फंक्शन हो, अगर आप थीम के अकॉर्डिंग कुछ पहनना चाहते हो सेम कपड़े पहने तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माय दिस व्लॉग विद योर लव्ड वंस एंड फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करना मत भूलना. बेल आइकन से क्लिक करने से जब भी मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूंगी तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि हर्षिका ने एक नया व्लॉग डाला एंड फटाफट यू गॉट टू नो. चलो देख कर आते हर्षिका ने क्या डाला है. तो प्लीज एंड सब्सक्राइब माय चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय, टेक केयर.